नमस्कार। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेस एंड फेस वैल्यू की बात करी थी। सो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास चीज आती है, दैट इज काउंटिंग। And counting is also known as natural number. So natural numbers. अगर हम natural की बात करें तो why it is natural? Natural means वो एक प्राकृतिक चीज है। So जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, तो डेफिनेटली हम वन से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। सो दिस इज नेचुरल नंबर। और उसके साथ अगर इन नंबर्स के ऊपर अगर हम फंडामेंटल ऑपरेशंस लगाए, जो प्लस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन की बात करें, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें अगर, सो देयर सम विल बी अ नेचुरल नंबर। और कोई भी दो नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, देन इट मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। सो अगर दो नेचुरल नंबर को माइनस करते हैं, अगर 4 - 3 करते हैं, तब सिर्फ ओके की बनना है। लेकिन अगर 3 - 4 कर दिया, तो 3 - 3 कर दिया, तो या तो -1 आएगा या 0 आएगा। सो वो नंबर इस सिस्टम में है, ठीक। सो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा ये नेचुरल नंबर है, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। व्हाई इट इज क्लोज्ड? बिकॉज कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो इस सिस्टम में प्रेजेंट हो नेचुरल नंबर। ओके, उसके बाद अगर हमारी प्रॉब्लम होती सब्ट्रैक्शन से, जैसे 2 - 2 करा तो 0 है, तो 0 इस सिस्टम में प्रेजेंट भी नहीं। सो वी ऐड 0 टू नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें एक नंबर और ऐड कर दें होल नेचुरल नंबर में, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक। और नेचुरल को हम एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सो नाउ द सिस्टम इज स्टार्ट फ्रॉम 0। इस सिस्टम में अब हमारे पास 1 का प्रीडेसर भी आ गया, 0 हो गया, जबकि यहाँ पे 1 का सक्सेसर तो था लेकिन प्रीडेसर नहीं था। अब 0 का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा बच्चों को मतलब पता होना चाहिए। जब हम कोई चीज वहां पे ऑब्जेक्ट हो ही ना, उसके लिए क्या हम नंबर यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम सेम नंबर से माइनस करें तब तो ठीक है। अब ये जो है ये भी क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन। व्हाट? सब्ट्रैक्शन में तभी होगा जब हम बड़े नंबर से छोटे को माइनस करेंगे या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तो 0 आ जाएगा। बट जैसे ही हम अगर छोटे नंबर से बड़े को माइनस करेंगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर से नंबर प्रेजेंट नहीं।
तो इट मीन दैट वी नीड न्यू सिस्टम। सो इसमें देखो किस तरह से जरूरत पड़ती गई और नया नंबर सिस्टम बनता गया। सो नेक्स्ट इज आर इंटीजर। सो इंटीजर्स में क्या होता है, होल नंबर्स में हम क्या ऐड कर देते हैं, इसको माई से डिनोट करते हैं, कई बार हम जेड से भी डिनोट करते हैं। सो 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर तो पहले ही प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें अब क्या किया हम नेगेटिव वाले नंबर्स भी ऐड। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज इंटीजर्स। अभी ये जो नया सिस्टम बना, ये अब आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप एडिशन कर लो, सो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो। कोई भी दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक। और जो सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो इंटीजर्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा, ठीक। और इंटीजर्स में दो चीजें होती हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं इसमें। तो हमारा जो जीरो है, जीरो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक। सो यहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ पॉजिटिव, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, लाइक दिस, गॉट इट। और अगर हम यहां बोलें कि नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे, जीरो आएगा, -1, -2, -3, -4, लाइक दिस। तो यू सी जीरो दोनों में आया, क्योंकि जीरो को ना तो हम नेगेटिव में काउंट कर सकते हैं ना ही पॉजिटिव में काउंट कर सकते हैं, तो दोनों ही सिस्टम में आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में भी आएगा और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी, ठीक। और दूसरी चीज होती है हमारे पास कि इवन क्या होंगे, ऑड क्या होंगे। इवन इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे, इवन इंटीजर्स जिनकी पेयरिंग बन जाए नंबर्स की, ठीक है। और पेयरिंग मीन टू से दैट कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो हमारे पास 5 है, तो इसको अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, डॉट बनाया, तो हमने चेक करना है ये इवन है या ऑड, तो हम इसकी पेयरिंग बनाएंगे, दो दो की पेयर्स बनाए, तो ऑब्वियस है वन इज लेफ्ट, वन का पेयर नहीं बन, सो इट मीन दैट दिस इज नॉट इवन नंबर। इवन का मतलब उसमें पेयरिंग बननी चाहिए, ठीक। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से बताना चाहिए कि जब हम पेयरिंग कर रहे हैं तो वहां पे पेयर बनना चाहिए, फिर कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। और नो डाउट बड़े, जब हम बहुत बड़ा नंबर होगा तो उसको हम इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। अगर हमारे पास, मान लो कि हमारे पास 99, अब इसको अगर हमने पेयर बनाने लगे तो इट्स क्वाइट लेंथी प्रोसेस। लेकिन कंसेप्ट के लिए अप टू 10 तक हम बता सकते हैं कि इस तरह से पेयरिंग, देन वी गो फॉर द कि यस जिस जो 2 से डिवाइड होगा या 2 का मल्टीपल या 2 के टेबल में जो है, ठीक। तो इवन में जीरो भी आती है कि जीरो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और फिर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, लाइक दिस। और साथ में -2 भी
इवन होगा, माइनस फोर भी इवन होगा और माइनस सिक्स भी इवन। तो पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी जो टू के मल्टीपल्स हैं वो आपके इवन इंटीजर्स होते हैं, ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स वो होंगे जो इनसे बच जाएंगे। सो ऑब्वियस है हमारे पास आ गया प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस सो लाइक दिस। सो दिस इज इवन एंड ऑड इंटीजर्स। सो इस सिस्टम में अब हम इवन ऑड की बात कर ली, बट अब ये सिस्टम में तीन ऑपरेशन तो लग गए कि प्लस भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवीजन भी, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। व्हाट वन इज लेफ्ट, दैट इज डिवीजन। तो अगर हम किसी इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब होता है कि उस नंबर को, जैसे मैं फोर माइनस टू कर रहा हूँ, फोर डिवाइड बाई टू कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है इस फोर को हमने कितने टाइम माइनस करे टू उसे की रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जैसे फोर माइनस टू करूंगा तो टू आ गया, तो वन टाइम्स माइनस करा, फिर टू माइनस करा तो जीरो आ गया, तो टू टाइम्स के बाद जीरो आ गया, तो इसकी डिवीजन टू आएगी। उसी तरह से अगर मैं टेन को टू से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक, तो डेफिनेटली टू टाइम्स माइनस, तो फाइव टाइम्स के बाद ही जीरो आ जाए। लेकिन अगर मैं जैसे फाइव को अगर टू से डिवाइड करता तो आपका जो डिवीजन है वो, जो प्रोसेस है वो टू के बाद स्टॉप हो जाएगा और रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाएगा। दैट टू ने फाइव को डिवाइड नहीं करता, तो इट मीन दैट जब तक तो आपका इवन प्रोसेस होगा तब तो ठीक है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आएगी फिर कैसे होंगे, है ना। तो वो तो इंटीजर्स है ही नहीं, वो एक फ्रैक्शन आ गया। तो वी नीड ए सिस्टम। अच्छा, वन मोर थिंग, कि कभी भी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते क्यों नहीं करते जीरो से डिवाइड। अगर सपोज करो मैं पांच को जीरो से डिवाइड करता, इसका इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि मैं फाइव से जीरो माइनस कर रहा हूँ, वन टाइम माइनस करा फाइव ही वापस आया, फिर मैंने टू टाइम द्वारा फिर जीरो जीरो माइनस करा फिर फाइव ही आया। इट मीन दैट ये जो नंबर है इसका जो ये रिमाइंडर है ये तो कभी भी डिक्रीज हो ही नहीं रहा है, इट मूव्स ऑन, ये इनफिनाइटली चलता जाएगा, स्टॉप ही कभी नहीं होगा ये। इट मीन्स दैट डिवीजन ऑफ फाइव इज रिस्पेक्ट टू जीरो इज बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन का एक बेसिक मतलब होता है कि उसके हमने पार्ट्स करने होते हैं, कितने पार्ट्स में वो ब्रेक हो सकता है। अब किसी चीज को हमने फाइव को ब्रेक करना है जीरो पार्ट्स में, तो आई थिंक दिस इज मीनिंगलेस, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन डिफाइंड। सो नाउ क्वेश्चन इज कि जब हम डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं हमारे पास इंटीजर आए, तो दैट इज न्यू सिस्टम, दैट इज रैशनल नंबर, और इस सिस्टम को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और इसमें जो नंबर्स आते हैं वो किस तरह के आएंगे? इसमें नंबर आएंगे इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, और ये जो इंटीजर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, दिस इंटीजर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक। तो जो भी नंबर हम इंटीजर अपॉन इंटीजर करेंगे दैट विल बी रैशनल, ठीक। तो कोई भी नंबर है जैसे थ्री अपॉन फाइव है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर रैशनल। गॉट माय पॉइंट? बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे 22/7 है, पाई का यूज करते हैं, तो भाई ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक। अगर ऐसे हमारे पास नंबर सिंपल है फाइव, तो फाइव रैशनल होगा कि नहीं होगा? तो वी कैन मेक इट
लाइक दिस, 5/1। सो ये इंटीजर है, ये इंटीजर, क्यों? क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, इट मीन द 5 का एक पार्ट करना, तो 5 का एक पार्ट 5 ही होगा। सो दैट्स व्हाई रैशनल नंबर्स आपको पता चल गया कि तो ये सिस्टम आपका इस तरह से बन गया। जो ये जो रैशनल है, जो क्यू है, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये सबसे बड़ा सिस्टम बन गया एक तरह से, जो इन चार फंडामेंटल ऑपरेशंस को ओवे करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्लोज्ड की तो बात कर ली, पहले नंबर सिस्टम को खत्म कर लेते हैं। देखिए आगे है, इफ अगर हमें कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जैसे अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, जिसमें एक्स इंटू एक्स कर देता हूँ, कि एक नंबर को तो अगर दो बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो बार अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 आना चाहिए, या दो बार मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, या दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, देयर इज नो रैशनल नंबर विच सेटिस्फाई दिस टाइप ऑफ सिस्टम। क्लियर? तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया सिस्टम चाहिए, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियस है, यहाँ पे देखें तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, अंडर रूट 2। यहाँ पे वह क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अंडर रूट 3। यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, अंडर रूट 5। प्लस माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी पुट हो सकता है और ये भी पुट हो सकता है, माइनस ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, चलो माइनस ठीक है, बट वी नीड अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 इज नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर नहीं। आप ऐसे लिख दो कि अंडर रूट 2/1 लिख देते हैं, भाई ये तो इंटीजर हो गया, बट दिस इज नॉट इंटीजर, सो दिस इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक, सो इट मीन दैट जो सिस्टम है, अंडर रूट वाली टर्में आएंगी, तो वो जो सिस्टम हमारा बनेगा, दैट इज, उनको नया नाम देते हैं इरेशनल नंबर्स। एक तो अनरूट वाली होगी, दूसरी चीज एक और होती है, क्यू के अंदर 2 पॉसिबिलिटी होती है, जो अगर हम रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास होता है एक टर्मिनेटिंग, और सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग में फिर 2 पॉसिबिलिटीज होती है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो हमारे पास जैसे कोई नंबर है, जैसे मेरे पास नंबर आ गया 1/3, सो डेफिनेटली अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा तो इट लाइक दिस, सो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और साथ में रिपीट कर रहा है 3, सो इज रिपीटिंग। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं, इसको भी क्यू बोलते हैं। लेकिन कोई नंबर ऐसा जिसको हम टर्मिनेट, उसका डेसिमल लिखें और वो टर्मिनेट ही ना करें, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग, That type of a number, जैसे मैंने terminate का लेता हूँ example, जैसे 1/2 होती, तो ये 0.5 है, ये terminate कर गया ना, आगे decimal नहीं कर, so this is terminating, this is also, तो ये जो terminating part है, ये भी rational होता है, और ये वाला जो part है, this is also rational, but ये वाला जो दूसरा part बनेगा, this part, this is not rational. This is irrational numbers. Irrational की दूसरी आपके पास रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो भी तुम्हारे पास इरेशनल आता है। तो इरेशनल नंबर्स
इसी तरह से अगर हम और बात करें तो हमारे पास जो अनरूट टू है, अनरूट टू, तो इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन निकाले तो वो भी नॉन परमिटिविटी होता है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग होता है। फिर अनरूट थ्री का भी तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो डेसिमल में भी इसको हम करके देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिव आता है। तो अनरूट फाइव हो गया, ये अनरूट वाले सारे जितने भी नंबर्स हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। Got it? So now we have new system. So that is irrational numbers. So irrational numbers में वो numbers आते हैं जिसमें जैसे अंडर रूट टू आ गया, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, इस तरह से सारे numbers। साथ में एक हमारे पास एक दिन बात करी थी हमने पाई की, ये भी इरेशनल नंबर होता है। फिर तो हमारे पास ई है, और भी बहुत सारे नंबर हम बना सकते हैं, दे आर विच आर इरेशनल। कैसे, जैसे अंडर रूट टू है तो अंडर रूट टू को अगर हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट 2.1 तो ये भी इरेशनल बन गए। इस तरह से इरेशनल तो बहुत ज्यादा बना सकते हैं हम, ठीक। जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल वर्ड्स। सो फाइनली वी गेट रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होगा, रियल नंबर जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले देखो हमारे पास आया नेचुरल नंबर, फिर आया होल नंबर। नेचुरल में जस्ट 1 2 3 काउंटिंग था, फिर 0 ऐड करा तो उसको हमने होल बोल दिया। होल के बाद हमारे पास बना इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आ गए, माइनस वाले आ गए, -2 -3। फिर हमने रैशनल बना ली, रैशनल में हमारे पास इंटीजर अपॉन इंटीजर आया, इंटीजर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर हमारे पास इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर्स तो हमारे जो अंडर रूट टू वाले आ गए, अंडर रूट थ्री वाले आ गए, लाइक दिस, बट वो रैशनल के अंदर नहीं है। सो दैट विल बी लाइक दिस। ये तो हमारे पास जो ये आर बना दैट कंटेन्स रैशनल प्लस इरेशनल। तो इरेशनल को कभी लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं आर माइनस क्यू। ओके, सो दिस दिस इज द नंबर सिस्टम। और अगर हम इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि कैसे इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है कि बच्चों को अगर मैं सपोज आई जस्ट टॉक, चाहे रैशनल नंबर्स हो चाहे इरेशनल नंबर्स हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जैसे अगर ये हमारे पास नंबर रियल लाइन आ गई, इट मीन दैट इस लाइन पे जितने भी डॉट हैं उतने रियल नंबर है। व्हाट माय पॉइंट, जितने भी डॉट है इस लाइन के ऊपर वो सारे के सारे डॉट जो है वो किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर मैं किसी स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूं कि आप बताओ कि आप 7/3 को कैसे इसमें रिप्रेजेंट करें, तो मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा कि बच्चे क्या करते हैं, इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 3 3 6 और फिर उसके बाद 10 बन गया, फिर 3, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके उसको फिर यहाँ पे ढूंढने लगते हैं 2.3 कहाँ पे हुआ, यहाँ जैसे कहीं मार्क करते हैं। दिस इज नॉट द वे, ऐसे नहीं होता रिप्रेजेंटेशन। आपको क्या करना है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है लाइन के ऊपर, स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना होता है इसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है। जैसे 3 है तो आपने क्या करना, हर यूनिट की 3, जितने भी यूनिट है उसका 3 पार्ट्स कर देने। तो जैसे 0 to 1 है तो इसके 3 पार्ट करने हैं, तो एक यहाँ पे और ये अब 3 पार्ट बन गए, एक पार्ट ये बन गया, एक ये बन गया, और होप दिस तीनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। इसके भी 3 करेंगे, ये भी 3 बन गए, इसके भी 3 करेंगे, सारे सिस्टम के 3 3 पार्ट्स करेंगे।
फिर अगर हमें क्या ढूंढना है, 7/3 करना, तो हमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 6 एंड 7, दिस इज 7/3, दिस इज 7/3। आई थिंक होप यू गॉट द कंसेप्ट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से अगर मेरे को 5/3 करना है तो मैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा 5/3। उसी तरह से अगर हमें अगर मान लो कि हमने फाइंड आउट करना है 7/2, तो हमें दोबारा से लाइन बनानी पड़ेगी, वी हैव टू मेक न्यू लाइंस, नई लाइन बनाएंगे और उस लाइन के ऊपर दोबारा से हमें यूनिट्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट्स को कितने में डिवाइड करना होगा। दो दो में डिवाइड करना, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है तो 2 पार्ट्स करेंगे इसके, लाइक दिस। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, दिस विल बी 7/2। गॉट माई पॉइंट? सो इस तरह से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब दूसरी एक चीज और मैं इसमें कवर कर लेता हूँ, अगर जैसे सपोज करो हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है कि कैसे √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर मेरे पास ये नंबर है, नंबर लाइन है, और इसमें मेरे को √2 रिप्रेजेंट करना है, 0, 1 एंड 2, √2, तो फिर वही आप 1.4142 ऐसे बोले, दिस इज नॉट द वे, ठीक। तो √2 को कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के ऊपर हमें इतना पता है कि ये 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंपस से 90 डिग्री बनाएंगे, क्या करेंगे, कंपस से 90 डिग्री बनाएंगे, ये जो भी आपने चीज लगी 90 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद आपने ये करना, यहां से ये जितना ये यूनिट है 1, उतने यूनिट का यहां से आपने डिस्टेंस लेना, यहां तक ये मान लो 1 होगी, तो ये भी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो 1 होगी। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो आपके पास चीज आएगी, ये आपका 1 है, ये 1 है, तो ये व्हाट विल दिस, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2, तो दैट इज √2। तो इट मीन दैट ये डिस्टेंस जो √2 है, तो हमें मिल गया डिस्टेंस √2। हम क्या करेंगे, एक कंपास का पार्ट यहाँ रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे, और यहां से क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे, और जो आर्क जहां पे इस लाइन को ब्रेक करती है, इस तरह से आर्क लगाएंगे, ठीक, जहां पे भी ये आर्क टच करेगी, इसको ब्रेक करेगी। व्हाट माय पॉइंट, आई होप कि आपको पता चल गया हो, या यू कैन से कि इतना रेडियस लेके एक सर्कल लगाना है, आप इतना सर्कल आपने ऐसे सर्कल लगाना है, यू कैन से रेडियस ये रखना है, और जहां पे ये लाइन ब्रेक करेगी दैट विल बी, दिस इज पॉइंट √2 प्लस √2, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस इज माइनस √2। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट √2। इसी तरह से अगर हमने ये डिस्टेंस पता चल गया, अगर हमें √3 प्लॉट करना है, तो √3 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 90 बना देंगे, यहाँ पे एक 90 बना देंगे इस तरह से, ठीक। और जितना डिस्टेंस ये है, ये √2 हो गया, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस हो गया वो √2 हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंगे, ठीक। अब हम अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा, √2² + 1 √3, तो ये वाला डिस्टेंस मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे,
इतना कंपास खोल के एक सर्कल लगाएंगे, ठीक। जब सर्कल लगाएंगे इतना बड़ा हमने देख के, तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी अंडर रूट थ्री। सो दिस इज अंडर रूट थ्री और दिस पॉइंट विल बी माइनस अंडर रूट थ्री। सो इज दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसको पता होना चाहिए। सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। होप कि आपको ये समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, और साथ में हम कोशिश करेंगे आगे कवर करने की। थैंक यू।